नमस्कार मित्रों, आज और एक गीत लेकर हाजिर हूँ। आज हम कर रहे हैं बहुत ही फेमस गज़ल मेहंदी हसन खान साहब की गाई हुई रंजिश ही सही। ये मैं सी शार्प यानी कि काली एक से इसको ले रहा हूँ। जैसे बहुत से लोग जानते होंगे, ये राग यमन पर आधारित है। राग यमन में मत तीव्र होता है और अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन सी कीज होंगी। सारे गम पधनी सा नी ध प म ग रे सा, इस तरह से सभी स्वर शुद्ध और म तीव्र, और कभी कभी शुद्ध म का भी प्रयोग हुआ है। मैं इस गाने के लिए रेफरेंस ले रहा हूँ पाकिस्तानी फिल्मी गीत के रूप में, जो ये गजल आई थी सबसे पहली बार, उसका वीडियो, उस वीडियो का यूट्यूब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वो उसको हम बेसिक कंपोजिशन मान सकते हैं इस गजल का, क्योंकि जब महफिलों में मेहंदी हसन खान साहब गाते थे तो वो अपने अलग गजल स्टाइल से और काफी बहला के गाते थे, तो इसलिए बेसिक कंपोजिशन के लिए मैंने उस फिल्मी वर्जन का सहारा लिया है। तो शुरू करते हैं। रंजिश ही सही सा नी सा गम प रे ग, दिल ही दुखाने के प म र प म प रे लिए आ, रंजिश ही सही म म र प ग रे सा नी सा ग म प रे ग। फिर से देखते हैं पहली लाइन। सा नी सा ग म प रे ग प म र प म प रे म म र प ग रे सा नी सा ग म प रे ग। तो ये प के ऊपर प खटका या मुरकी, आप जो भी इसको कहें वो है। दूसरी लाइन। आप से मुझे छोड़ के जाने के, तो सा नी रे नी द प म प रे, ऐसे भी गा सकते हैं। आ फिर से सा नी रे नी सा, लेकिन महफिलों में ज्यादातर इस तरह से ही खास सबने गाया है। सा नी सा नी रे नी द प म प रे लिए आ, रंजिश ही सही म म र प ग रे सा नी सा ग म प रे। तो ये हो गई स्थाई। पहला अंतरा देखते हैं। कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, तो निप सा नी रे 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 नी रे प ग रे सा प ग रे सा रे मा। कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, म म म म ध म ग रे 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 नी 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 ध प, ध के ऊपर नी 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 ध प। फिर से पहली लाइन। नी प सा नी रे 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 नी रे प ग रे सा प ग रे सा रे म म म म म ध म ग रे
रे रे नी 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 ध प, तू भी तो कभी मुझको मनाने के सानी सासा सानी रे नी ध प म प रे लिए आ लिए आ को हर बार अलग अलग तरीके से हम ले सकते हैं। लिए आ तो मम नी र मम ग रे नी सा ग म प रे, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ रंजिश ही सानी सा सा सानी रे नी द प म प रे मम नी र मम ग रे नी सा ग म प रे। दूसरा अंतरा माना के मुहब्बत का साधा प मग मरेगा मुह छुपाना है मुहब्बत सानी रनी रे रे पगर सारे माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत म म म म ध म ग रे 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 नी 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 ध प। फिर से एक बार गाता हूँ सा ध प म ग म रे ग ग सा नी ध नी रे रे पगर सा पगर सारे म म म म ध म ग रे 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 नी 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 ध प। चुपके से किसी रोज जताने के सानी सा सा सानी रे पम पर लिए रंजिशी सही। इस बार लिए मम नी र ध नी र मम ग रे नी सा ग म प रे ग। ये लिए आके जो वेरिएशंस है वो एक्चुअली जो मैं वीडियो की लिंक दे रहा हूँ उसमें नहीं है, फिल्मी वर्जन में नहीं है। इस तरह के वेरिएशंस आप लाइव गाते वक्त ले सकते हैं, खास साहब ने भी लाइव गाते वक्त लिए और कुछ लिया के वेरिएशन देख सकते हैं। जैसे किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। मम रे सारे मदनी रमल लिए आ रंजिश ये सही, दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिश सही। इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं और गा सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि शुरुआत का आलाप, तो जैसे शुरुआत का आलाप किसी भी गजल जैसे फॉर्म में होता है वो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, वो राग के हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी मुझे जो सूझ रहा है वो अगर करूं तो सा नि रे
पम रे म रे ग प रे ग रे नि प सा। ऐसा कुछ भी छोटा या बड़ा आलाप कोई भी आप कर सकते हैं, वो थोड़ा जिस राग में गीत हो उसके, या हमेशा गीत राग में नहीं होता, कभी रागों के आसपास होता है, तो उस राग के करीब के स्वर आप गा सकते हैं आलाप के तौर पर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इससे इस गजल को आप सीख पाएंगे हारमोनियम पे और गाने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और जो भी गीत आपको चाहिए वो आप कमेंट में लिखते जाइएगा। नमस्कार।